खबरें लेकर हाजिर हूँ मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी बाबा के संविधान को खत्म करना चाहता है, संविधान बदलना चाहता है। हम किसी भी कीमत पर संविधान को बदलने नहीं देंगे और बाबा के नाम को कोई अलग अलग बाबा का लिखा हुआ संविधान नहीं है। रिजर्वेशन खत्म करना चाहता है। उसके लिए हम सब लोगों को एकत्रित रहना है, जागरूक रहना है। मोदी जी आते हैं क्या बोलते हैं भाई और बहनों, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बनने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बनने के लिए यही बोले थे। भाई और बहनों, मोदी आएगा तो 2 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी देगा। मोदी आएगा तो काला धन लेकर के आएगा और हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपया डालने का काम करेगा। मोदी आएगा तो हर किसानों का आय को दुगुना कर देगा। मोदी आएंगे तो सबका पक्का मकान बना देंगे, महंगाई को खत्म कर देंगे, गरीबी को खत्म कर देंगे, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दे देंगे, बिहार को स्पेशल पैकेज दे देंगे। आप बताइए 10 साल में मोदी जी ने सारण के लिए क्या किया है? ये अभी डबल डेकर बन रहा है, हम लोगों बनवाए और जितना बाईपास अभी है अमनौर का, परसा का, गरखा का, रिवीलगंज का, ये हमने अभी अपने कार्यकाल में 17 महीने में हम लोगों ने देने का काम किया। मोदी जी केवल झूठ बोलते हैं। बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। मोदी जी इतना बढ़िया झूठ बोले ले कि गोबरों के हलवा बना करके परोस देने हैं। इनके बात पर विश्वास ना करके है, इन पर विश्वास नहीं करता है, कोई नहीं करता है। इस बार जो जुमला का पहाड़ बनाए हैं मोदी जी, इसको बिहार की जनता धाने का काम करेगी, इनको उल्टा पैर वापस लौटाने का काम करेगी। प्रस्तुति को आज यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।